वेलकम बैक टू डिवाइन स्पोर्ट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 इंडियन ओरिजिन फुटबॉल प्लेयर्स जो कि यूरोपियन फुटबॉल लीग या अदर फॉरेन लीग में खेलते हैं, और क्या ये प्लेयर्स इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के लिए खेल सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो बात करें पहले प्लेयर्स की, तो सबसे पहले इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स हैं डैनी बाथ, जिनकी ये 31 ईयर्स है और ये एक सेंट्रल डिफेंडर पोजिशन के प्लेयर्स हैं। डैनी बाथ इंग्लिश प्रीमियर लीग के क्लब वोल्फ्स जैसी टीम के कैप्टन रह चुके हैं और ये करंटली प्रीमियर लीग के सदरलैंड एफसी के लिए खेलते हैं। दूसरे इंडियन ओरिजिन फुटबॉल प्लेयर्स हैं सरप्रीत सिंह के पास करंटली न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप है। इनकी एज 23 ईयर्स और ये एक अटैकिंग मिडफील्डर पोजिशन के प्लेयर्स हैं। सरप्रीत सिंह बुंदेसलीगा के बायर्न म्यूनिख जैसे क्लब्स के लिए खेल चुके हैं और न्यूजीलैंड की नेशनल टीम को भी इन्होंने 2 मैचों में रिप्रेजेंट किया है। सरप्रीत सिंह करंटली बुंदेसलीगा के जान रेहनबर्ग क्लब के लिए खेलते हैं। तीसरे इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स हैं यान धांधा। इस प्लेयर्स को बहुत से इंडियन फुटबॉल फैंस जानते होंगे। यान धांधा एक अटैकिंग मिडफील्डर पोजीशन के प्लेयर्स हैं और इनकी एज है 23 ईयर्स। यान धांधा की नेशनलिटी भी इंग्लिश है और ये इंग्लैंड की अंडर 16 और अंडर 17 टीम के लिए भी खेल चुके हैं और प्रीमियर लीग के क्लब लिवरपूल के लिए भी ये खेल चुके हैं। यान धांधा करंटली स्कॉटिश प्रीमियरशिप के रॉस काउंटी क्लब द्वारा साइन किए गए हैं। चौथे प्लेयर्स हैं डिलन मारकंडे। अभी काफ़ी यंग प्लेयर्स हैं, इनकी एज अभी 20 साल ही है और ये एक विंगर पोजीशन के प्लेयर्स हैं। डिलन मारकंडे इंग्लिश प्रीमियर लीग में 2021 में स्पर्स जैसे क्लब्स के लिए खेला है और ये करंटली इंग्लैंड की क्लब ब्लैकबर्न रोवर्स के लिए खेलते हैं। टॉप 5 इंडियन ओरिजिन फुटबॉल प्लेयर्स की लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं नील टेलर, जिनकी एज है 33 ईयर्स और ये एक राइट बैक पोजीशन के प्लेयर्स हैं और इनकी करंट नेशनलिटी है वेल्स। जी हाँ, वही वेल्स, जहाँ के पूर्व रियल मैड्रिड के स्टार प्लेयर्स गैरथ बेल हैं। नील टेलर वेल्स की नेशनल टीम के लिए भी 43 मैचों में खेला है और इनके नाम एक गोल भी है। नील टेलर करंटली इंग्लिश क्लब मिडलसबर्ग के लिए खेलते हैं। तो यही थे टॉप 5 इंडियन ओरिजिन फुटबॉल प्लेयर्स। अब सवाल ये है कि क्या ये प्लेयर्स इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के लिए खेल सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी ये प्लेयर्स अलग अलग देशों की सिटीजनशिप ले रखे हैं, तो फ्यूचर में अगर ये प्लेयर्स इंडिया की सिटीजनशिप लेते हैं तो ये इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के लिए खेल सकते हैं। लेकिन अभी इंडिया में डुअल सिटीजनशिप रूल अलाउ नहीं है, तो अगर इंडियन गवर्नमेंट फ्यूचर में डुअल सिटीजनशिप रूल अलाउ करती है तो निश्चित ही ये प्लेयर्स इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम की जर्सी में दिखाई दे सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या आप इन प्लेयर्स को इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के लिए खेलते हुए देखना चाहते हैं या नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह इंडियन फुटबॉल और ISL से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।